अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी वो है जीन इंट्रैक्शंस, और इसमें इसका इंट्रोडक्शन, इसमें जो बहुत सी टर्म्स आ रही हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगी, और मेनली एपिस्टेसिस और उसकी टाइप्स। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बेटर है कि आप लोग कोई रजिस्टर, कोई पेन लेकर बैठें और साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें, तभी आप बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें डिस्कस करूंगी वो है इंट्रा एलीलिक इंटरेक्शंस। मेंडल्स के लॉज के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस को डिस्कस करते थे, डाईहाइब्रिड क्रॉसेस को डिस्कस करते थे। उन मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस में हम टू एलील्स को डिस्कस करते थे, और वो टू एलील्स किसी सिंगल जीन की होती थी। किसी सिंगल जीन की टू एलील्स डिफरेंट वेज में एक्ट करती थी। उन टू एलील्स में से एक एलील या तो डोमिनेंट होती थी, और डोमिनेंट वो होती थी जो दूसरी एलील के इफेक्ट को मास्क कर दे, और वो एलील जिसके इफेक्ट को डोमिनेंट एलील ने मास्क कर दिया उसको रिसेसिव एलील कहते थे। तो हम लोग इस तरह से डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, अब दो टर्म्स और भी हैं जिनको हम पढ़ते आ रहे हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता था कि बोथ एलील्स पार्शली इफेक्ट करती थी, दोनों एलील्स खुद को पार्शली एक्सप्रेस करती थी, जबकि को डोमिनेंस में दोनों एलील्स खुद को इक्वली एक्सप्रेस करती हैं। जितने भी अब केसेस को मैंने डिस्कस किया है, डोमिनेंट, रिसेसिव, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या को डोमिनेंस, इन सब केसेस में हम टू एलील्स को ही डिस्कस करेंगे, और वो टू एलील्स किसी सिंगल जीन की ही होंगी। तो ऐसे इंट्रैक्शंस जो कि टू एलील्स के दरमियान हों और वो टू एलील्स किसी सिंगल जीन से ही बिलोंग कर रही हों, ऐसे इंट्रैक्शंस को हम इंट्रा एलीलिक इंट्रैक्शंस कहेंगे। और ऐसे इंट्रैक्शंस में जो रेशो फॉलो होगी वो मेंडेलियन रेशो है। अगर तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 3:1, अगर डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो 9:3:3:1 फॉलो होगी। तो इंट्रा एलीलिक इंट्रैक्शंस क्लियर है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है इंटर एलीलिक जेनेटिक इंट्रैक्शंस। अब ये इंट्रैक्शंस कौन सी हैं? अब ये इंट्रैक्शन इंडिपेंडेंट जीन्स के दरमियान होगा, वो सेम क्रोमोसोम की भी हो सकती हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम की भी हो सकती हैं। इंट्रा एलीलिक इंट्रैक्शंस में क्या था, जिसको भी हमने पीछे डिस्कस किया है, उसमें किसी एक जीन की टू एलील्स के दरमियान इंट्रैक्शंस होती थी। वहाँ पर हम सिंगल जीन को डिस्कस करते थे, लेकिन यहाँ पर हम डिफरेंट जीन्स को डिस्कस करेंगे जो कि सेम क्रोमोसोम की भी हो सकती हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम्स की भी हो सकती हैं। अब वो इंडिपेंडेंट जीन्स जो कि नॉन होमोलोगस हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगी और किसी सिंगल फिनोटाइप की एक्सप्रेशन देंगी किसी भी ऑर्गेनिज्म में। और जो एपिस्टेसिस है जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो एक्चुअली इंटर एलीलिक जेनेटिक इंट्रैक्शंस में ही आता है। इंट्रा एलीलिक इंट्रैक्शंस में जो कि दो एलील्स के दरमियान थी, किसी एक जीन की दो एलील्स के दरमियान थी, वहाँ तो हम टर्म्स यूज़ करते थे डोमिनेंट है या रिसेसिव है, जो मास्क कर रही है दूसरे के इफेक्ट को वो डोमिनेंट है, जिसका इफेक्ट मास्क हो रहा है वो रिसेसिव है। लेकिन यहाँ पर हम इंटर एलीलिक जेनेटिक इंट्रैक्शंस में हम डोमिनेंट या रिसेसिव की टर्म यूज़ नहीं करेंगे। वो वाला जीन जो कि अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है और जो कि दूसरी जीन की जो कि किसी और लोकस पर प्रेजेंट है उसके एक्शन को मास्क कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, ऐसे जीन को हम बोलेंगे एपिस्टेटिक जीन। नेक्स्ट टर्म है हाइपोस्टेटिक जीन। तो वो वाली जीन जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो रहा है और जिसका एक्सप्रेशन सप्रेस हो रहा है बाय एपिस्टेटिक जीन, उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टेटिक जीन। जो मास्क कर रहा है वो एपिस्टेटिक और जिसका मास्क हो रहा है वो हाइपोस्टेटिक। ये दोनों टर्म्स नेक्स्ट जाकर बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, इसलिए इनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी था। अब नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे डोमिनेंस और एपिस्टेसिस के दरमियान। पीछे भी इन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मैं फिर से डिफ्रेंशिएट करूँगी दोनों में ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। जो डोमिनेंस है वो इंट्रा एलीलिक जीन इंट्रैक्शन है जहाँ पर एक जीन की दो एलील्स थी, जबकि एपिस्टेसिस इंटर एलीलिक जीन इंट्रैक्शंस हैं जहाँ पर एक जीन या उसकी दो एलील्स डिस्कस नहीं होंगी, जहाँ पर डिफरेंट जीन्स डिस्कस होंगी। डोमिनेंस में एक एलील दूसरी एलील के साथ इंटरेक्ट करेगी, लेकिन जीन लोकस सेम होगा, सेम जीन की दो एलील्स इंटरेक्ट करेंगी। जबकि एपिस्टेसिस में एक एलील किसी दूसरी जीन की जो कि डिफरेंट जीन लोकस पे है उसकी एलील के साथ इंटरेक्ट करेगी। डोमिनेंस में वही मेंडेलियन रेशो फॉलो होगी, 9:3:3:1, जबकि एपिस्टेसिस में ये रेशो 9:3:3:1 मॉडिफाई करेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं एपिस्टेसिस और उसकी टाइप्स की तरफ। एपिस्टेसिस की टोटल 6 टाइप्स हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस, डुप्लीकेट रिसेसिव जीन्स, डुप्लीकेट डोमिनेंट जीन्स, डुप्लीकेटिव जीन्स विद कम्युलेटिव इफेक्ट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव इंट्रैक्शन।
इन सब टाइप्स में से जो पहली दो टाइप्स हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस, ये दोनों टाइप्स इंशाल्लाह मैं अपने इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी, जबकि बाकी चारों टाइप्स इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच जाए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली टाइप से, जो कि है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। जैसे कि इस टाइप का नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर किसी डोमिनेंट अलील का रोल होगा। जैसा कि ये इंटर अलीलिक इंट्रैक्शन है तो यहाँ पर दो जीन्स होंगी, एक जीन को हम ए से डोनेट कर लेते हैं और दूसरी जीन को हम बी से डोनेट कर लेते हैं। तो इस टाइप में होगा ये कि दो जीन्स में से किसी एक जीन की एक अलील दूसरी जीन की दोनों अलील्स की एक्टिविटी को मास्क करेंगी, और वो अलील जो कि मास्क करेगी उसको हम कहेंगे एपिस्टेटिक, और जिसका मास्क हो रहा है इफ़ेक्ट उसको हम बोलेंगे हाइपोस्टेटिक। इस टाइप के स्टार्ट पे हमने दो जीन्स स्पोज की थी, ए एंड बी। अब वो अलील जो कि डोमिनेंट है, जो कि दूसरे के इफ़ेक्ट को मास्क कर रही है, उसको ए से डोनेट कर लेते हैं, और जो दूसरी है जिसका मास्क हो रहा है उसको बी से डोनेट कर लेते हैं। आपने इन अल्फ़ाबेट्स में कंफ्यूज़ नहीं होना कि ए और बी क्यों लिया, हम कोई और अल्फ़ाबेट्स भी ले सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स में आप लोग देखेंगे कि डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं। अब जो एपिस्टेटिक अलील है वही फिनोटिपिकली एक्सप्रेस होगी, और जो दूसरी है बी वो एक्सप्रेस नहीं होगी, उसके इफ़ेक्ट को मास्क कर लिया जाएगा। हाँ, हाइपोस्टेटिक जीन जो कि बी है वो उस केस में एक्सप्रेस होगी जब उसके साथ एपिस्टेटिक जो जीन है उसकी दोनों अलील्स रिसेसिव फॉर्म में है, स्मॉल ए स्मॉल ए। जाहिर है जब जो एपिस्टेटिक जीन है जिसकी अलील ने कैपिटल फॉर्म में डोमिनेंट फॉर्म में दूसरी जीन की दोनों अलील्स के जो इफ़ेक्ट है उसको मास्क करना था, अब वो खुद ही एब्सेंट है। एब्सेंट होने से मुराद है कि रिसेसिव फॉर्म में है, उस जीन की दोनों अलील्स रिसेसिव फॉर्म में है, स्मॉल ए की फॉर्म में। तो इस रिसेसिव फॉर्म में जब ये दूसरी जीन के साथ प्रेजेंट होगा तो इस फॉर्म में ये दूसरी जीन के अलील्स के जो इफ़ेक्ट है उसका जो एक्सप्रेशन है उसको फिर मास्क नहीं कर सकेगा। फिर वो जो दूसरी जीन है जो कि पहले हाइपोस्टैटिक थी, अब वो इजीली अपने एक्सप्रेशन को शो करवा सकती है। नेक्स्ट हम मोड ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस को डिस्कस करते हैं कि जो हमारी डोमिनेंट अलील है वो किन किन वेज में आ सकती है। अब जो एपिस्टेटिक अलील्स का सबसे पहला केस है, अगर उसमें आप देखें तो उसमें दो कंडीशंस दी हुई हैं। एक कंडीशन में दोनों एक कैपिटल है, मतलब कि दोनों डोमिनेंट हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, और साथ ही दूसरी कंडीशन लिखी हुई है जिसमें एक अलील कैपिटल ए से है, मतलब कि एक डोमिनेंट है, और दूसरी स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब कि दूसरी रिसेसिव है। अब जो पहली जीन है, जो पहली कंडीशन है जिसकी दोनों अलील्स कैपिटल ए से रिप्रेजेंट हो रही हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए, इस कंडीशन में तो 100% है कि ये डोमिनेंट है। और साथ ही जो उसकी दूसरी कंडीशन दी हुई है जिसमें एक ए कैपिटल है और दूसरा ए स्मॉल है, इस कंडीशन में भी आपको पता है कि किसी जीन की अगर एक अलील भी डोमिनेंट होती है तो उसके साथ अगर रिसेसिव है तो नो प्रॉब्लम, वो डोमिनेंट ही बिहेव करेगी। अब जो ये दोनों कंडीशंस हैं जिसमें एक कंडीशन में दोनों डोमिनेंट अलील्स हैं और दूसरी कंडीशन में एक डोमिनेंट है, इन दोनों पेयर्स के साथ दूसरी जीन की दोनों अलील्स जिस भी फॉर्म में आ जाए, ये आप दूसरे कॉलम में देखें हाइपोस्टेटिक अलील्स के वो कंडीशंस दी गई हैं, आइदर वो कैपिटल बी में आ रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी में आ रहा है, या स्मॉल बी में आ रहा है, दूसरी जीन की दोनों अलील्स जिस भी कंडीशन में आ जाए उसका इफ़ेक्ट मास्क होगा। चलें, पहला केस तो क्लियर हो गया कि एपिस्टेटिक जीन के साथ दूसरी जीन जिस भी फॉर्म में आ जाए, दूसरी जीन की दोनों अलील्स जिस भी फॉर्म में आ जाए, डोमिनेंट में आ जाए, रिसेसिव में आ जाए, उसका हाइपोस्टेटिक का जो एक्सप्रेशन है वो तो शो नहीं होगा, हमेशा एपिस्टेटिक एक्सप्रेशन शो होगा। और नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं कि फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में भी लिखा हुआ है कि कैपिटल ए, कैपिटल ए मतलब कि जो एपिस्टेटिक जीन का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, इनका कंबाइंड एक्सप्रेशन भी जब ए पेयर बी जीन के साथ आएगा, जब ए जीन बी जीन के साथ आएगी तो ए जीन का ही एक्सप्रेशन शो होगा, जो उसका ए का फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, ओवरऑल इनका एक्सप्रेशन वही होगा। अच्छा, अब एपिस्टेटिक अलील्स की सेकंड कंडीशन देखें जिसमें वो स्मॉल ए की फॉर्म में आएगा, मतलब कि यहाँ पर वो डोमिनेंट फॉर्म में नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर इसके पास कैपिटल ए नहीं है, डोमिनेंट ए नहीं है, तो अब ये दूसरी जीन की अलील्स के इफ़ेक्ट को, उनके एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर सकता। पीछे भी मैंने इस बारे में बात की थी कि जो दूसरी जीन है बी जीन, वो उस केस में अपना एक्सप्रेशन शो करेगी जब इसके साथ जो ए जीन है उसकी दोनों अलील्स रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, तो सेम यही वो कंडीशन है, सेम यही केस है वो वाला। चलिए, अब ये तो क्लियर हो गया कि जो एपिस्टेटिक जीन है उसकी अगर दोनों अलील्स रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, स्मॉल ए, तो फिर ये जो है एपिस्टेटिक नहीं बिहेव करेगा, फिर ये दूसरी जीन के एक्सप्रेशन को मास्क नहीं कर सकता।
अब इसके साथ जो दूसरी जीन होगी या तो वो इस फॉर्म में आए कि उसकी दोनों अलील्स कैपिटल बी हो, मतलब कि कैपिटल फॉर्म में हो, डोमिनेंट फॉर्म में हो, या तो उन दोनों में से एक, ठीक है। तो इस फॉर्म में फिर जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो दूसरी जीन जो हाइपोस्टैटिक जीन थी जो कि अब डोमिनेंट फॉर्म में आ रही है उसका एक्सप्रेशन शो होगा। अब नेक्स्ट हम अपने थर्ड केस की तरफ मूव करते हैं जिसमें जो एपिस्टैटिक जीन है उसकी दोनों अलील्स तो रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, स्मॉल ए की फॉर्म में आ रही है, लेकिन जो हाइपोस्टैटिक जीन है उसकी दोनों अलील्स भी स्मॉल बी की फॉर्म में आ रही है, मतलब कि वो भी रिसेसिव ही आ रही हैं। अब इस केस में, इस थर्ड केस में जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? इस केस में एक्सप्रेशन ना तो एपिस्टैटिक जीन वाला होगा जब वो डोमिनेंट थी और ना ही हाइपोस्टैटिक जीन वाला होगा जब वो डोमिनेंट थी। इस केस में एक थर्ड फिनोटाइप हमारे सामने आएगी जो कि स्मॉल बी की होगी, स्मॉल बी की, और वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट एग्जांपल्स में डिफरेंट होगी, डिफरेंट कलर्स आएंगे, लेकिन वो डिफरेंट फिनोटाइप, वो डिफरेंट कलर जो भी होगा वो ना तो कैपिटल ए वाला होगा ना ही कैपिटल बी वाला। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है हमारी फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। यहाँ भी दो जीन्स हैं, डब्ल्यू एंड वाई। W जीन की नेक्स्ट दो अलील्स होंगी जो कि W से ही रिप्रेजेंट होंगी, वो कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल W भी हो सकता है, और Y की भी सिमिलरली दो अलील्स होंगी, कैपिटल Y या स्मॉल Y या दोनों कैपिटल या दोनों स्मॉल। Y जीन एपिस्टैटिक है तो ये क्या करेगा कि हाइपोस्टैटिक जीन की जो अलील्स हैं जो कि Y है उसको मास्क करेगा उसके इफेक्ट को। अब ये सेम पीछे वाला टेबल है जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन बस इतना फ़र्क है कि वहाँ पर जो हमने जीन्स ली थी वो A और B थी, यहाँ पर W और Y हैं। सेम उसी तरह अगर एपिस्टैटिक जीन की एक भी अलील कैपिटल फॉर्म में आती है तो उसके साथ दूसरी जीन की कोई भी अलील आ जाए, आइदर वो स्मॉल में आ जाए या कैपिटल में आ जाए, वो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन वो ही देगा जो कि डब्ल्यू जीन जो कि एपिस्टैटिक जीन है उसका होगा। जो सेकंड केस है उसमें हमारी एपिस्टैटिक जीन की दोनों अलील्स रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं। अब इस केस में ये दूसरी जीन की अलील्स के जो एक्सप्रेशन होगा उसको मास्क नहीं कर सकेंगी। अब अगर हाइपोस्टैटिक जीन की दोनों जो अलील्स हैं वो अगर दोनों कैपिटल फॉर्म में इसके साथ आती हैं, इस पेयर, इस रिसेसिव पेयर के साथ, या फिर अगर एक कैपिटल एक स्मॉल फॉर्म में भी वो इस रिसेसिव पेयर के साथ आता है तो हाइपोस्टैटिक जीन मतलब कि वाई का एक्सप्रेशन ही शो होगा। इस केस में एपिस्टैटिक जीन की जो अलील्स हैं उन्होंने हाइपोस्टैटिक अलील्स को मास्क नहीं किया क्योंकि वो खुद रिसेसिव फॉर्म में है। अगर तो एपिस्टैटिक जो अलील्स हैं वो मास्क करती तो पहली कंडीशन की तरह वाइट कलर आता, लेकिन यहाँ पर येलो कलर आ रहा है जो कि हाइपोस्टैटिक जीन की अलील्स का कलर है। जो थर्ड केस है उसमें भी जो एपिस्टैटिक जीन की दोनों अलील्स हैं वो रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, मतलब इस केस में भी, इस रिसेसिव पेयर की फॉर्म में भी वो दूसरी जीन की जो अलील्स हैं उनकी इफेक्ट को मास्क नहीं कर सकती। लेकिन इस केस में जो हाइपोस्टैटिक जीन की दोनों अलील्स हैं वो भी दोनों अलील्स जो है रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, मतलब कि अब इस केस में ना तो फिनोटाइप एपिस्टैटिक अलील्स वाली होंगी, मतलब कि ना ही वाइट होंगी, और ना ही वो हाइपोस्टैटिक अलील्स वाली होंगी, मतलब कि ना ही येलो होंगी। यहाँ पर एक न्यू फिनोटाइप, जैसा कि मैंने पीछे भी कहा था कि अगर इस तरह का कोई केस आता है तो एक न्यू फिनोटाइप आएगी, और वो न्यू फिनोटाइप इस केस में ग्रीन कलर देगी। और अब ये जो नेक्स्ट रेशो दी गई है 12:3:1, ये एक्चुअली क्रॉस करवाया था और उस क्रॉस के रिजल्ट में ये रेशो आई थी, क्रॉस नेक्स्ट दिया भी गया है। अब नेक्स्ट क्रॉस देख लेते हैं जिसमें वाइट फ्रूट को येलो फ्रूट के साथ क्रॉस करवाया गया है। वाइट फ्रूट के जो जीन्स दी गई हैं उसमें आप देख सकते हैं कि कैपिटल डब्ल्यू है, मतलब कि ये एपिस्टैटिक अलील्स हैं। अब नेक्स्ट जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो पेयर आएगा वो होगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। लेकिन इसकी फिनोटाइप क्या होगी? ये तो इसकी जीनोटाइप थी ना, फिनोटाइप इसकी क्या है? फिनोटाइप इसकी वाइट कलर होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कैपिटल डब्ल्यू है जो कि एपिस्टैटिक अलील है। इस एपिस्टैटिक अलील ने येलो कलर को मास्क कर दिया है और अपना इफेक्ट शो करवा रहा है, और इसका अपना एक्सप्रेशन क्या है? वाइट कलर। तो ओवरऑल वाइट कलर ही हमें शो होगा। ये F1 जनरेशन थी और F1 जनरेशन का रिजल्ट हमारे पास क्या आया? 100% वाइट। अब नेक्स्ट हम F1 जनरेशन के F1 जनरेशन के साथ क्रॉस करवाते हैं। F1 के साथ क्रॉस करवाने के बाद ये रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास। अब यहाँ पर सेम वही रेशो आई है जो कि पीछे टेबल में दी गई थी। 12 जो है हमारे पास वाइट है, 3 हमारे पास येलो है, और 1 हमारे पास ग्रीन है। क्योंकि जो डोमिनेंट एपिस्टैसिस है उसकी रेशो हमारे पास क्या होगी? 12:3:1, क्योंकि 3 फिनोटाइप्स हैं तो 3 रेशोज आएंगी। और ये वाइट कैसे है, येलो कैसे है, ग्रीन कैसे है, ये पीछे मैं सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो बेटर है कि ये आप लोग एग्जांपल जो है ख़ुद करें और ख़ुद देखें। तो जो हमारी पहली टाइप है डोमिनेंट एपिस्टैसिस वो तो कवर हो गई है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिसेसिव एपिस्टैसिस।
जैसे कि इस टाइप का भी नाम ही हमें बता रहा है कि यहाँ पर रिसेसिव पेयर का रोल होगा, मतलब कि अगर हमारे पास एक जीन है और उसकी दोनों अलील्स रिसेसिव हैं तो हमारे पास पेयर क्या बनेगा, स्मॉल ए, ये स्मॉल ए एपिस्टेटिकली बिहेव करेगा, मतलब कि ये एपिस्टेटिक होगा और यही पेयर जो है नेक्स्ट हमारी जो दूसरी जीन होगी हाइपोस्टेटिक उसके इफेक्ट को मास्क करेगा। पीछे वाली टाइप में डोमिनेंट एपिस्टेसिस में जो डोमिनेंट पेयर था वो मास्क कर रहा था, लेकिन इस टाइप में रिसेसिव एपिस्टेसिस में जो रिसेसिव पेयर होगा स्मॉल ए वो एपिस्टेटिकली बिहेव करेगा और वही मास्क करेगा। अब यहाँ पर भी दो जीन्स सपोज कर लेते हैं आर और डी, जो कि एपिस्टेटिक है वो आर से डोनेट कर देते हैं, और एपिस्टेटिकली वो कब बिहेव करेगी, जब उस जीन की दोनों अलील्स रिसेसिव होंगी, यानी कि स्मॉल आर। दूसरी जो हाइपोस्टेटिक है उसको हम डी से डोनेट कर लेते हैं। अब जो हमारी एपिस्टेटिक जीन है एपिस्टेटिक कब होगा, जब उसकी दोनों अलील्स रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, स्मॉल आर की फॉर्म में आ रही हैं। अब अगर इस फॉर्म में इसके साथ दूसरी जो जीन है वो किसी भी तरीके से आके लग जाती है, कैपिटल डी की फॉर्म में आती है, दोनों स्मॉल डी आके लगते हैं, या कैपिटल डी स्मॉल डी लगता है, किसी भी फॉर्म में वो आके लगता है ना, तो वो जो अपना एक्सप्रेशन है वो शो नहीं करवा सकेगा क्योंकि वो मास्क हो जाएगा। अब जो हमारी दूसरी जीन है डी जीन वो उस केस में एक्सप्रेस होगी जब अगर हमारा जो एपिस्टेटिक जीन है वो रिसेसिव फॉर्म में दोनों अलील्स उसकी नहीं आती, अगर कोई एक भी अलील कैपिटल फॉर्म में आ गई है तो वो दूसरी जीन के जो इफेक्ट है उसको मास्क नहीं कर सकेगी। नेक्स्ट है मोड ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। अगर तो किसी ने पहली टाइप को ध्यान से सुना है, समझा है और उसको सारी समझ आ गई है तो नेक्स्ट टाइप्स उसके लिए मुश्किल नहीं है, सारी बातें वही वाली हैं। सेम अब इसमें भी वही है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर एपिस्टेटिक अलील स्मॉल आर की फॉर्म में आता है और इसके साथ हाइपोस्टेटिक अलील किसी भी फॉर्म में आता है तो जो हाइपोस्टेटिक अलील है उसका जो एक्सप्रेशन है वो मास्क हो जाएगा और एक्सप्रेशन वो वाला आएगा जो कि एपिस्टेटिक अलील का एक्सप्रेशन है। अब जो दूसरा केस है उसमें रिसेसिव पेयर नहीं है, मतलब कि एक कंडीशन में दोनों कैपिटल हैं और दूसरी कंडीशन में एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, लेकिन मास्क करने के लिए एपिस्टेटिक होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों अलील्स स्मॉल हों, मतलब कि स्मॉल आर प्रेजेंट हो। तो अब इस केस में डी जीन का जो एक्सप्रेशन है वो मास्क नहीं होगा और जो ओवरऑल फिनोटाइप हमारे पास आएगा वो डी जीन का ही आएगा। और जो हमारा थर्ड केस है उसमें जो हाइपोस्टेटिक अलील्स हैं वो भी डोमिनेंट में नहीं आ रही, वो भी रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, तो इस केस में एक थर्ड टाइप ऑफ न्यू फिनोटाइप आएगी और वो फिनोटाइप ना तो एपिस्टेटिक जीन वाली होगी और ना ही हाइपोस्टेटिक जीन वाली होगी, वो एक न्यू थर्ड फिनोटाइप होगी। और ये सारी बातें भी वही हैं जो कि मैं पहली टाइप एक्सप्लेन करते वक्त बता चुकी हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल दी गई है रिसेसिव एपिस्टेसिस की इन माइस। अब ये सेम उसी तरह अगर तो एपिस्टेटिक अलील्स जो हैं वो स्मॉल सी की फॉर्म में प्रेजेंट हैं तो वो हाइपोस्टेटिक अलील्स के एक्सप्रेशन को मास्क करेंगी और जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो अल्बिनो होगा। नेक्स्ट कंडीशन में अगर हम देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड केस है उसमें हमारे पास कैपिटल सी आ रहा है और कैपिटल सी आ रहा है। अब ये जो एपिस्टेटिक अलील्स तो नहीं है क्योंकि इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि एपिस्टेटिक होने के लिए हमारे पास पूरा पेयर, मतलब दोनों अलील्स स्मॉल सी होनी चाहिए, तो इस फॉर्म में फिर ये एपिस्टेटिकली बिहेव नहीं करेगा और हाइपोस्टेटिक जीन्स की जो अलील्स हैं उनके एक्सप्रेशन को मास्क नहीं करेगा। और इस केस में जो हमारे पास फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा वो हाइपोस्टेटिक जीन्स की अलील्स का आएगा और वो एक्सप्रेशन क्या है, अगाउटी। और अब जो हमारा थर्ड केस है उसमें जो हाइपोस्टेटिक जीन की जो दोनों अलील्स हैं वो भी रिसेसिव फॉर्म में आ रही हैं, मतलब इस केस में तो हाइपोस्टेटिक जीन्स भी अपना एक्सप्रेशन नहीं देंगी, एपिस्टेटिक तो बिल्कुल नहीं देंगी क्योंकि वो स्मॉल रिसेसिव पेयर में नहीं आ रही, और यहाँ पर हाइपोस्टेटिक भी नहीं देंगी तो एक थर्ड न्यू फिनोटाइप हमारे पास आएगा जो कि ब्लैक कलर है। अब नेक्स्ट ये क्रॉस करवाया गया है ब्लैक और अल्बिनो के दरमियान, इस क्रॉस का जो रिज़ल्ट है F1 वो तो हमारे पास सारा आएगा अल्बिनो क्योंकि इसमें एपिस्टेटिक अलील प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम क्रॉस करवाते हैं F1 के साथ क्रॉस करवाने के बाद ये हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि तीनों फिनोटाइप्स हैं, अगाउटी भी, ब्लैक भी और अल्बिनो भी। और यहाँ पर रेशो भी सेम वही आई है जो कि पीछे टेबल में दी गई थी रिसेसिव एपिस्टेसिस के लिए, 4:9:3। 4 हमारे पास अल्बिनो कलर हैं, 3 हमारे पास ब्लैक कलर हैं और 9 हमारे पास अगाउटी कलर है। और ये कलर्स कैसे आए हैं ये पीछे मैं टेबल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। नेक्स्ट भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट जो एपिस्टेसिस की 4 मज़ीद टाइप्स रह गई हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी।